आज ना खाना नहीं खाया? खाया नहीं, कोई नहीं खाना खाओ यार। हेलो दिस इज जॉनी बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग, और आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये व्लॉग होने वाला है वैक्सीनेशन को लेके, तो आपको तो पता ही है वैक्सीनेशन बुकिंग करने में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है स्लॉट बुकिंग करने में। तो मुझे लगभग आठ से नौ दिन हो गए थे स्लॉट बुकिंग करते करते, और आरोग्य सेतु ऐप और कोविन ऐप करते करते भी नहीं स्लॉट बुक मिल रहा था, बिकॉज लोगों ने बॉट लगा रखा था, और किसी ने एक्सटेंशन लगा रखा था क्रोम पे, किसी ने क्रोम पे स्क्रिप्ट लगा रखी थी, जिस वजह से लोगों को मिल नहीं रहा था, और वो डायरेक्ट सीधा कैप्चा कोड डालने के लिए चले जा रहे थे। तो काफ़ी डिफिकल्ट थी, बट हाँ मुझे स्लॉट मिल गया है। तो मेरे भाई को स्लॉट मिला था, वो मिला है जो अभी आज की तारीख का 26 तारीख का, वो है मुनि की रेतिका ऋषिकेश में, और मुझको जो मिला है जगतपुर का मिला है, प्राइमरी स्कूल का हरिद्वार में। तो सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि इस ऐप में लूप होल बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से कोई भी आम जनमानस इस पर रजिस्टर नहीं कर पा रहा है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है, नेट भी नहीं है, पहाड़ों में तो नेट भी नहीं चल रहा होगा, जो भी समझता है। और ये कुछ असेंशियल चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखें, बिकॉज लॉकडाउन चल ही रहा है। और ये है खाना पैक कर रखा है, ये है सैनिटाइज़र की बोतल, और ये है आपके डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, विधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आपको जो कुछ जितनी चीज़ें रख लो उतना बेटर है, और एक पानी की बोतल। फिर इसको हम ये लोग ये चीज़ें बैग में डालते हैं, तो चलते हैं आगे, मैं दिखाता हूँ आपको। भाई पुलिस की चेकिंग बहुत तगड़ी चल रही है, और चलान कटेगा तो सब 5,000 रुपये का कटेगा। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है और मास्क भी लगा रखा है तो पूरे रूलों का पालन करिए। भाई बहुत दिन हो गए गाड़ी चलाए हुए, पता नहीं इस गाड़ी में पेट्रोल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार तो मैंने जब निकला था तो डलाया था, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। पेट्रोल भाई साहब ने, ये रेडी हैं आप। भाई इतने दिनों के बाद घर से निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है यार, क्या मस्त फीलिंग आ रही है यार, जिसे बोलते ना यार पंछी आज़ाद हो गया। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट ले रुके हैं यहाँ पर, चलो क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सर ये मुनि की रहती पूर्णानंद कॉलेज कहाँ है? वहाँ वैक्सीन लगाने जाना है, पूर्णानंद कॉलेज जहाँ वैक्सीन लगाने जाना है। हाँ आए कहाँ से आप लोग? हम आ रहे हैं अभी देहरादून से ही आ रहे हैं। देहरादून से आ रहे हैं, तो यहाँ गाड़ी का नंबर लिखा है ना? अच्छा ठीक है ठीक है। कहाँ से भाई? यहाँ से रास्ता। अच्छा धन्यवाद मेरे भाई, बहुत धन्यवाद। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं पूर्णानंद कॉलेज। मोनिका,
दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, क्या उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी? बिल्कुल लगाई जाएगी, लेकिन ये तो उनके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए या एंटीजन रिपोर्ट होनी चाहिए। और अगर किसी के पास नहीं हुआ तब क्या करेगा? उस हमारे रिश्तेदारों में जाके करा ले। तो वहाँ फ्री हो रही है या कॉस्टिंग हो? अच्छा, तो कितनी देर में मिल रही है सर? 5 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा। सर 5 मिनट में रिपोर्ट मिल रही है? 5-10 मिनट में। अच्छा, एंटीजन में टाइम लगता है। ठीक है सर। तो अब हम जा रहे हैं ऋषि लोग, जहाँ पर एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है, और वहाँ से फिर वापस आएंगे वैक्सीन लेने के लिए। यहाँ हो रहा है एंटीजन टेस्ट। तो एंटीजन टेस्ट कराने अगर आपको आना है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, तो एंटीजन कराने आप यहाँ पर आएंगे। अगर आरटीपीसीआर नहीं है आपके पास, तो ये सारे लोग ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आने। पहली बात तो स्लॉट बुक करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और दूसरी बात फिर एंटीजन आरटीपीसीआर लेकर आओ। ये क्या है? एंटीजन है, आरटीपीसीआर है। और एंटीजन कहाँ है? तो एंटीजन कराने के लिए मुझे ऋषि लोग है GMVM का आवास है, यहाँ पर एंटीजन कराया जा रहा है, तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, कैसा लगा? मजा आया? हाँ, एंटीजन हो गया। तो कितनी देर में मिलेगी रिपोर्ट? हाथ में लगा, जाने दे जाने दे। हैं कितने दिन में? अगर आपने एंटीजन आरटीपीसीआर नहीं कराया और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, तो वो कराना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई के तो हो रहा है, तो मैं खुद के सोच रहा हूँ कि अब मैं हरिद्वार जाऊँगा, फिर वहाँ मैं ढूँढूँगा। वो तो शुक्र था कि ऋषिकेश में यहाँ पर एंटीजन हो रहे थे, तो वो बगल में ही मैंने करवा लिया ऋषि लोक में आके। मेरा मुनि की रेती पड़ा था मेरे भाई का, तो बस बोल रहे हैं कि 5-10 मिनट में मिल जाएगी आपको रिपोर्ट। तो देखते हैं अभी, फिर आगे चलते हैं। एंटीजन हुआ और आरटीपीसीआर हुआ, तो दर्द हुआ था नाक में? दर्द तो नहीं हुआ, मतलब आराम से बैठो थोड़ा, चल गया। अच्छा, और ये दिखा, ये रिपोर्ट दिखा। रिपोर्ट आई है नेगेटिव। नेगेटिव रिपोर्ट है? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। क्या हो गया है? एंटीजन और रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। तो अब चलते हैं वैक्सीन लगाने। तो अब पहुँच चुके हम पूर्णानंद कॉलेज मुनि की रेती, जहाँ पर वैक्सीन लग रही है। यहीं से अभी मैं दोबारा गया था, तो इन्होंने बोला था कि एंटीजन ले के आओ, आरटीपीसीआर ले के आओ। तो एंटीजन के लिए ऋषि लोग गए थे, जो कि मैंने दिखाया था। अब आगे चलते हैं। तो ये हैं भाई साहब, जो अपनी वैक्सीन लगाने, पहली डोज, और मैम कोविड शील्ड वैक्सीन है, लगा दी थी मैम ने 2 मिनट में। जितने लोगों के वैक्सीन लग जाती है, वो यहाँ कितनी देर के लिए बैठते हैं? अच्छा, और दवाई भी दी जाती है, मैंने सुना पैरासीटामोल। अच्छा, तो कितने एमजी की है वो पैरासीटामोल जो देते हो? 500 mg की। तो वो किसी को दिन में, एक दिन में कितनी, एक ही लेनी है अगर, या दो? ठीक है, धन्यवाद मैम बहुत बहुत। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ वैक्सीन लगाने के बाद यहाँ पर सभी जो पेशेंट हैं, जो जिन्होंने वैक्सीनेट हो चुके हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ उन्हीं को लगाई जा रही है जो नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये है वेटिंग रूम, जहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट घर के लिए निकल पड़ेंगे। क्या हो गया भाई को? कुछ भाई खाना, भाई साहब खाना दूँ? खाना खाओगे? खाना सुबह खाया। लो खाना ले लो। अरे मेरी माता जी ने दिया था खाना, आपने खाना नहीं खाया?
खाया नहीं कोई नहीं खाना खाओ यार। घर पे पानी तो नहीं हो पाएगा जी? हाँ हो, पानी बहुत है। कहाँ जा रहे हो अभी, गाड़ी लेके आ रहा हूँ? यही जा रहा हूँ। अच्छा यही पास में हो, टांग रहा हूँ गाड़ी पे। तो गाड़ी नहीं लगा है वो। अच्छा वो गाड़ी खड़ी है तो जी। अच्छा रख लेना इसमें जो कुछ है, छोले छूले होंगे ठीक है भाई साहब। मेरे को पानी की बोतल नहीं तो आपको वो भी दे देता। ना ना ठीक है ठीक है जी ठीक है। और सॉस ठीक है आपका? ठीक है भाई जी। तो माँ ने जो खाना दिया था वो भाई साहब को दे दिया मैंने। चलते आगे। जो मेरी पानी की बोतल थी यार वो ना एक्चुअली गिर गई थी, तो अगर गिरी ना होती तो मैं भाई को जरूर देता। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों की मदद जरूर करें। बाय बाय, सी यू।